जी देख रहे हैं MNS न्यूज पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दो दोस्तों ने ही गला दबाकर मार डाला, प्रेम संबंधों में दिया वारदात को अंजाम। खेत में 20 दिन पहले मिला था शव। जिले के लाखांदूर थाना क्षेत्र के गांव के ग्राम कुड़े गांव में 3 सप्ताह पूर्व की गई 16 वर्षीय छात्र सोहम मानकर की हत्या उसके दो दोस्तों ने मिलकर की थी। पुलिस ने इस मामले में आज एक नाबालिग समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और सोहम की हत्या की योजना बनाई और गला घोटकर उसका शव धान के खेत में फेंक दिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी अतुल मेश्राम ने पुलिस को बताया कि सोहम और वह दोनों एक ही लड़की से प्रेम करते थे। सोहम उसके प्रेम में बाधा बन गया था, अतः उसने अपने नाबालिग साथी की मदद से उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सोहम नाबालिग आरोपी की रिश्तेदार लड़की पर बुरी नजर रखता था, इसमें उन दोनों में हाथापाई भी हुई थी, अतः वह अवसर की तलाश में था। उसी बीच कबड्डी स्पर्धा का मौका मिलते ही उन्होंने सोहम को बहाने कुड़े गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे स्थित खेत में गोठे में बुलाया, गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। 6 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। गढ़चिरौली के एलआर पट्टी तहसील के कई हिंसक कार्रवाइयों में शामिल असनसुर दलम कमांडर सहित 6 नक्सलियों ने जिला पुलिस विभाग के सामने आत्मसमर्पण किया। इनमें 5 महिला नक्सलियों का समावेश है। इससे पूर्व चातगांव दलम के सभी नक्सल सदस्यों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया था। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर सरकार ने कुल 31,50,000 का रुपए का इनाम रखा था। यह जानकारी गढ़चिरौली परिक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक शैलेश बलकड़े ने पत्र परिषद में दी है। महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, प्राइवेट पार्ट में डाला मिर्च पाउडर। चंद्रपुर में मकान मालिक के घर चोरी करने का झूठा मामला दर्ज कर राजूरा पुलिस ने एक महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। आरोप है कि पुलिस स्टेशन में पीड़ित महिला के प्राइवेट पार्ट में मिर्च पाउडर डालकर उसकी पिटाई की गई। इस अमानवीय कृत्य के मामले की जांच कर राजूरा पुलिस स्टेशन के दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित करने की मांग की गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज के साथ। नमस्कार।